हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक शॉर्ट मूवी के ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ और ये एक कनाडा शॉर्ट मूवी है गाइस, जिसका नाम है एंटोनियो मोंटानो। और मतलब जिस हिसाब से लग रहा है कि ये किसी फ़ैन ने बनाई है, क्योंकि ये रिचर्ड एंटोनी, जो कि हमें पता है कि भाई ये रक्षित सर की नेक्स्ट मूवी है, मेरे ख्याल से अपकमिंग मूवी है, जिसको उन्होंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है। और मेरे ख्याल से उसका एक छोटा सा क्लिप ही आया अभी तक मूवी का, और ऐसा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उस मूवी के बारे में। लेकिन जितना भी वो जो छोटा क्लिप आया था वो बहुत ही शानदार था। मेरे ख्याल से वो टीज़र ही था, और जिस हिसाब से उसकी सिनेमाटोग्राफी लग रही थी, स्टोरी लग रही थी, मुझे लग रहा है एक दमदार मूवी आने वाली है रक्षित सर से। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए। लेकिन देखते कि भाई ये जो शॉर्ट फिल्म है जो बनाई गई है, और जैसे इसमें रेफरेंस भी दिया गया है रिचर्ड एंटोनी का, तो फिर क्या उससे कुछ रिलेटेड कुछ बनाने वाले, मतलब कोई फ़ैन मूवी बनाने वाले, तो फिर ये तो ट्रेलर देख के पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के पहले ट्रेलर देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा। और हाँ, इसको लिखा है सूजन शेट्टी ने और उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। तो चलो यार, देख लेते हैं। यार बेकार बरली ये उन अब बहुत बड़ा मार है। ए बाकी वो 15 कान मत है। फिक्शन मेकर्स। ओके, साउंड से तो जबरदस्त लग रही है ना। मैं तो बोले मैं कर रहा हूं नगाड़ दे रही। द फेमस Antonio Montano and the यार मारे साउंड यार जबरदस्त है। ओके, हाँ अच्छा, साउंड जबरदस्त है। ओके ओके, ये डांस भी है रक्षित शेट्टी। सेम गेटअप कर नन फॉलोवर संजड़ी मार इवा काउंटर नाम की दाट मारला मारे यार कौन ललो। ओहो, ई कड़ी वन बेटा और कड़ी नान स्पेक्सी एल। ओके, 7 जन को यानी रिलीज हो चुकी है ये। याद है ड्रा, अच्छा YouTube पे। ओके ओके, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि भाई वो जो हिंट है ना, जो मतलब रिचर्ड एंटोनी में हम देख सकते थे, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ बीच सिनेरियो से शुरू होता है जहाँ पे स्टोरी बताई जा रही होती है रिचर्ड एंटोनी की, और वो कौवा वाला जो सीन होता है जो कब्र पे आता है, आई थिंक वैसा ही था। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो क्रो का बात की गई है, तो पता ही चल रहा है कि भाई वो रेफरेंस डायरेक्टली रिचर्ड एंटोनी का दे रहे हैं। लेकिन इसका म्यूज़िक भी मेरे को कहीं ना कहीं उसकी वाइब दे रहा है, क्योंकि वैसे उसी टाइप का सिनारियो हमने ऑब्वियसली रिचर्ड एंटोनी के अंदर भी देखा था। जो टीज़र आया था उसके अंदर भी मेरे ख्याल से वो बीच का ही स्टोरी थी आई थिंक, और परशुराम, आई थिंक परशुराम से रिलेटेड कोई बात हो रही थी या बीच से रिलेटेड बात हो रही थी, और ऐसे कोई स्टोरी के बारे में वो बात कर रहे थे। लेकिन वैसे ही कोई वाइब इन्होंने भी क्रिएट की है यहाँ पे, और जो कि एंड में जो डायलॉग मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग लग रही है कि भाई बंदे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है रिचर्ड एंटोनी को, जो कि हमें पता है कि यार कौन होने वाले हैं, रक्षित शेट्टी सर होने वाले हैं, जो कि उस मूवी को लिखने भी वाले हैं, डायरेक्ट भी करने वाले हैं, और ऑब्वियसली यार उसमें एक्टिंग भी करेंगे और एज अ रिचर्ड एंटोनी ही करेंगे। लेकिन अगर इस ट्रेलर की बात करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने जो वाइब क्रिएट की है, खासकर जो इसके अंदर जो BGM डाल के, जो म्यूज़िक डाल के उन्होंने जो वाइब क्रिएट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं वैसी वाइब आ रही थी। ऑब्वियसली बजट हमें पता चलता है यार, ऑब्वियसली फ़ैन रिलेटेड, फ़ैन एज अ फ़ैन उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है रक्षित सर को, जो कि पता ही चलता है कि यार ऑब्वियसली हर कोई फ़ैन है उनका, उनकी फिल्म मेकिंग का, उनकी एक्टिंग का। और ट्रेलर मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। अब देखना पड़ेगा कि ये यूट्यूब पर रिलीज़ हो चुकी है कि नहीं, और आप बता सकते हो यार कैसी लगी आपको और क्या मुझे देखनी चाहिए। तो यार कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्टली लिखो कि भाई ये कैसी लगी आपको ये शॉर्ट फिल्म। और हाँ, रिचर्ड एंटोनी के बारे में कोई अपडेट हो तो यार वो भी लिख सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसके मेरे ख्याल से टीजर को देखे हुए, तो हो सकता है कि उसका भी ट्रेलर आने वाला हो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।